सबसे यादगार तस्वीर है जिसमें पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री किसी वैज्ञानिक को गले लगाकर भावुक हो रहा है, उसे हौसला दे रहा है, उसे कहा है कि बी पॉजिटिव। करीब 95% सफल मिशन चंद्रयान 2 को लेकर पीएम मोदी ने पहले के सिवान को हौसला दिया था और अभी थोड़ी देर पहले गले लगाया उन्हें। याद रखिए, ये आज की नहीं आजादी के बाद की सबसे बड़ी तस्वीरें हैं। ये दो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। भावुक हुए इसरो के चीफ, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बढ़कर उन्हें गले लगाया, उनकी हौसला अफजाई की। और दूसरी तस्वीर में इसरो के सभी सदस्यों को, सभी वैज्ञानिकों को हाथ आगे करके उनकी हौसला अफजाई की, उनसे हाथ मिलाया और कहा कि रुकना नहीं है, आगे ही बढ़ना है। ये उतार चढ़ाव हैं, आते रहते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि रात से ही प्रधानमंत्री मोदी की निगाह इस मिशन पर थी। वो स्वयं इसरो के सेंटर में मौजूद रहे कई बच्चों के साथ, और जब लगा कि हम थोड़े से पीछे रह गए अपने मकसद से, उसके बाद जब इसरो के वैज्ञानिकों के चेहरे डाउन हुए, उनका मनोबल कम हुआ, तो आगे आए प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि रुकना नहीं है, मनोबल कम नहीं करना है, अपने आप को और अपने इस मिशन को आगे बढ़ाना है और रुकेंगे नहीं। और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर बताती है कि जब देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में है तो उसके बाद वो स्वयं सफलता में भी आगे आते हैं, लोगों के साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब कोई असफल हो जाता है तो सबसे आगे आते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं और बताते हैं कि रुकना नहीं है। भले ही आज हम अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाए हों, हम मकसद से 5% पीछे रह गए हों, 12 सेकंड का वो अंतर आज थोड़ा सा हमें गम दे गया, लेकिन रुकना नहीं है। ये आंसू इसरो चीफ के जब निकले तो स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरह से हौसला अफजाई की, सिर पर हाथ फेरा, पीठ थपथपाई और बताया कि रुकना नहीं है। निश्चित तौर पर शब्द यही होंगे, हौसला अफजाई करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें और इसरो चीफ के गले लगाते हुए ये तस्वीरें सामने आई हैं। जी हां, तो पीएम मोदी ने कहा कि परिणाम अपनी जगह है, लेकिन हमें आप पर गर्व है और पूरे हिंदुस्तानियों को आप पर गर्व है। इस मिशन पर पूरी दुनिया की निगाह थी और मिशन 48 दिन तक हर एक दिन नई सफलता जैसे कि उम्मीद थी वो हासिल करता रहा, लेकिन आखिरी के 2 किलोमीटर पहले जब कनेक्शन टूटा, संपर्क टूटा लैंडर विक्रम से, तो उसके बाद थोड़ी सी मायूसी जरूर फैल गई, लेकिन देश का हर नागरिक आज इसरो के वैज्ञानिकों के साथ है और स्वयं देश के प्रधानमंत्री आगे बढ़े। और जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये तस्वीर बता रही है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने पॉजिटिव हैं, और इसलिए उन्होंने कहा बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहिए, नकारात्मक को अपने ऊपर हावी नहीं होने दीजिए। और हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ को गले लगाया। जी हां, तो अब से कुछ देर पहले पीएम मोदी ने बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा पर पहुंचने के मिशन से हम डिगे नहीं हैं, नई जगहों पर जाना है, नई चुनौतियों का सामना करना है, कोई रुकावट हमारा हौसला कमजोर नहीं कर सकती। हम मक्खन पर लकीर खींचने वाले नहीं, पत्थर पर लकीर खींचने वाले हैं। इसरो के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए, उसकी जय के लिए जीते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के जय के लिए जूझते हैं। आप वो लोग हैं जो मां भारती के लिए जज्बा रखते हैं, और इसलिए इसके लिए पूरा जीवन खपा देते हैं, अपने सपनों को समाहित कर देते हैं। इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति
एक अलग ही अवस्था में था। बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको बढ़ाया था। यू वेंचर इनटू ए प्लेस वेयर नो वन हैड एवर डन बिफोर। आप लोग मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग। You came as close as you could. Stay steady and look ahead. इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक अलग ही अवस्था में था। बहुत से सवाल थे और बड़ी सफलता के साथ आगे बढ़ते हैं और अचानक सब कुछ नजर आना बंद हो जाए। मैंने भी उस पल को आपके साथ जिया है जब कम्युनिकेशन ऑफ आया और आप सब हिल गए थे। मैं देख रहा था उसे, मन में स्वाभाविक प्रश्न था क्यों हुआ, कैसे हुआ। और वैज्ञानिक का मन ही तो वही होता है, वो हर बात को क्यों और क्यों से शुरू करता है। बहुत सी उम्मीदें थी। मैं देख रहा था उसके बाद भी आपको लगता था अरे यार कुछ तो होगा, क्योंकि उसके पीछे आपका परिश्रम था। पल पल आपने बड़ी बारीकी से इसको। साथियों, मैं कल रात को आपकी मनस्थिति को समझता था। आपकी आंखें बहुत कुछ कहती थी। आपके चेहरे की उदासी मैं पढ़ पाता था और इसलिए ज्यादा देर मैं आपके बीच नहीं रुका। कई रातों से आप सोए नहीं हैं, फिर भी मेरा मन करता था कि एक बार सुबह फिर से आपको बुलाऊं आपसे बातें करूं। मैं मानता हूं ज्ञान का अगर सबसे बड़ा शिक्षक कोई है तो विज्ञान है। विज्ञान में विफलता होती ही नहीं है, केवल प्रयोग और प्रयास होते हैं।
हर प्रयोग हर प्रयास ज्ञान के नए बीज बोकर जाता है, नई संभावनाओं की नींव रख करके जाता है और हमें अपने असीम सामर्थ्य का एहसास दिलाता है। इस मिशन के दौरान चाहे देश में रहा या विदेश में, हर बार चंद्रयान की स्थिति से जुड़ी सूचना लेता रहता था। साथियों, भारत दुनिया के अहम स्पेस पावर में से एक है, तो उसके पीछे आप सभी का दशकों से जिन साथियों ने इसरो में काम किया है उनका परिश्रम है, उनका योगदान है। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। इससे पहले दुनिया में ऐसी उपलब्धि किसी के नाम नहीं थी। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। ये भी आपके ही प्रयास थे कि हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। जब इसरो के पास सक्सेस की एनसाइक्लोपीडिया हो तो रुकावट के एक दो लम्हों से आपकी उड़ान आउट ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं हो सकती। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। साथियों, आज भले ही कुछ रुकावटें आई हो, रुकावटें हाथ लगी हो, लेकिन इससे हमारा हौसला कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि और मजबूत हुआ है। आज हमारे रास्ते में भले ही एक आखिरी कदम पर रुकावट आई हो, लेकिन इससे हम अपनी मंजिल के रास्ते से डिगे नहीं है। आज भले ही हम चंद्रमा की सतह पर हमारी योजना से नहीं जा पाए, और अगर कोई कवि को आज की घटना का लिखना होगा, साहित्यकारों को लिखना होगा, विज्ञान की सोच विज्ञान की भाषा अलग है, लेकिन कला और साहित्य की किसी को लिखना होगा तो जरूर लिखेगा कि हमने चांद का इतना वर्णन किया, इतना रोमांटिक वर्णन किया है जीवन में, तो चंद्रयान के भी स्वभाव में वो आ गया था। और इसलिए आखिरी कदम पर चंद्रयान चंद्रमा को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ा, कभी ऐसा ही कहेंगे।
आज चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। तो प्रधानमंत्री मोदी अपनी एक एक लाइन में इसरो के वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई करते हुए नजर आए। भारत इतिहास बनाने से सिर्फ 2.1 किलोमीटर दूर रह गया। जी हां, चंद्रयान 2 के लैंडर विक्रम से धरती का संपर्क लैंडिंग से सिर्फ 2 किलोमीटर पहले टूट गया। इसरो के मुताबिक 2.1 किलोमीटर पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक विक्रम का धरती से संपर्क टूटा। हालांकि इसरो अभी भी आंकड़ों का अध्ययन कर रहा है। एक उम्मीद है कि अगर धरती का फिर से विक्रम से संपर्क हुआ तो शायद सब कुछ ठीक जा सकता है, मिशन को आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए धरती का विक्रम से संपर्क होना बेहद जरूरी है। मिशन पर शायद संकट के बादलों से इसरो के वैज्ञानिक जरूर परेशान नजर आए। देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जब मैं देख रहा था कि अब कम्युनिकेशन ऑफ हो गया है, तो मैं देख रहा था आपके सारे चेहरे एकदम से हो गए। लेकिन ये कोई छोटा अचीवमेंट नहीं है जो आप लोगों ने किया। देश आप पर गर्व करता है और आपकी इस मेहनत ने बहुत कुछ सिखाया भी। मुश्किल की घड़ी में हौसले को बुलंद करने वाले ये वो शब्द हैं जिसने धरती से 3.5 लाख किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में मिले तगड़े झटके को झेलने की ताकत इसरो के वैज्ञानिकों को दे दी। पीएम मोदी के इन शब्दों ने बेंगलुरु में इसरो सेंटर में पसरे सन्नाटे में नई उम्मीद भर दी, जो लैंडर विक्रम से आखिरी वक्त पर संपर्क टूटने के बाद मिशन चंद्रयान 2 से जुड़े वैज्ञानिकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच रहा था। विक्रम लैंडर डिसेंट वाज एज प्लान्ड एंड नॉर्मल परफॉर्मेंस वाज ऑब्जर्वड up to an altitude of 2.1 kilometer. Subsequently, the communications from the lander to ground station was lost. The data is being analyzed. मिशन चंद्रयान को कामयाब बनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर रखा था। ऐसे में पीएम मोदी इस ऐतिहासिक कामयाबी का गवाह बनने खुद बेंगलुरु में इसरो के दफ्तर में मौजूद थे। इसरो के चेयरमैन ने प्रधानमंत्री को चंद्रयान से संपर्क टूटने की जानकारी दी। ये सुनकर पीएम एक पल के लिए ठिठके भी, लेकिन अगले ही पल वो इसरो चीफ की पीठ थपथपाते नजर आए। चांद को छूने की कोशिश में जुटे वैज्ञानिकों की मेहनत की दिल खोल कर तारीफ करते दिखे। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, इस संदेश के साथ पीएम मोदी इसरो वैज्ञानिकों को उम्मीद बंधाते दिखे कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। होप फॉर द बेस्ट। बहुत कुछ सिखाया अभी, और जैसा मुझे बताया सब साइंटिस्टों ने, अगर फिर से कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो फिर तो ये बहुत सारी चीजें हमें देता रहे। तो होप फॉर द बेस्ट। पीएम मोदी की छवि क्यों सशक्त प्रधानमंत्री और उभरते विश्व नायक की है, कैसे वो चुनौतियों को चुनौती देने का मादा रखते हैं और कैसे मुश्किल हालात में वो जीवटता को अपना कवच बना लेते हैं, इस मौके पर पीएम मोदी का ये अंदाज इसरो सेंटर मौजूद सभी लोगों तक ये सीधा संदेश पहुंचा गया। हमारी यात्रा जारी रहेगी। इसरो सेंटर में पीएम मोदी के साथ मिशन चंद्रयान को कामयाब होता देखने 70 बच्चे भी पहुंचे थे। इनमें से कईयों की चाहत वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा करने की थी। पीएम मोदी ने ऐसे मौके पर अपने राजनीतिक गुरु अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों का संदेश देते नजर आए। न हार में, न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिली, ये भी सही वो भी सही।
इन शब्दों को प्रेरणा बनाकर पीएम मोदी इन बच्चों में उम्मीदें भरते नजर आए, जिन्होंने घर लौटकर मिशन चंद्रयान की कामयाबी का जश्न मनाने का मन बना रखा था। सबसे दोस्ती हो गई, हिंदुस्तान है, तो क्या बताओगे घर जाके? वापिस हमारे स्कूल में बताओगे ना? कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला लेकर पीएम मोदी ने देश में नया जोश भरा था। ऐसे में मिशन चंद्रयान 2 के आखिरी पलों में मिले झटके को कामयाबी की राह में बढ़ाया गया अगला कदम बताना पीएम मोदी ने निराशा का माहौल को सकारात्मक बना दिया। मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है, बहुत उत्तम सेवा की है आपने देश ने, आपने बहुत बड़ी सेवा की है विज्ञान की और आपने बहुत बड़ी सेवा की है मानव जात की। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं, हिम्मत के साथ चले। यही वजह है कि मुश्किल घड़ी में उम्मीद की रोशनी दिखाने वाले पीएम मोदी के शब्द होप फॉर द बेस्ट सोशल मीडिया पर छा गए, जहां मिशन चंद्रयान का जिक्र नए अंदाज में हो रहा है। चांद को जीत कर दिखाएंगे। I feel I'll keep trying. I will just like the others. I will when I go home, I'll keep searching until I get some news. Even if it's good or bad, I will get some news. ब्यूरो रिपोर्ट।